एक चक्कर गली का लगा सकते हैं। आ जाओ। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर। तो यार आपकी भाभी के साथ अभी जो है ना हम लोगों ने सैरी की है, वो भी बिजी है, हमारा व्लॉग देख रही है। क्या देख रही हो? सब्सक्राइब भी किया है तुमने कि नहीं? किया है। अच्छा, बेल आइकन भी ऑन किया हुआ है। खबरें रख रही है, खबरें रख रही है पूरी। अच्छा तो यार अभी जो है हम लोगों ने सैरी मुकाई है यहाँ पे, तो मैंने सोचा यहीं से हम लोग व्लॉग शुरू कर देते हैं। लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ भाई, इतना डेडिकेटेड मैं हुआ व्लॉग के लिए। ये देखो भाई, लैपटॉप गाड़ी के अंदर हमारी एडिटिंग चल रही है, अभी अभी मुकाई है। Who thinks Ducky is so lucky to have such a beautiful भाभी? Oh my god, तुम्हारे वो ऑडियंस तंग आ जाएगी। मैंने 3 व्लॉग्स में वो ससुरी ड्रेस भाई मेरे व्लॉग के थ्रू लड़कियां एक्सपोज हो रही हैं। वो असल में शो करती हैं, उन्होंने पहली दफा ड्रेस पहना है, जबकि अलग अलग जगहों पे पहन चुकी होती हैं वो ड्रेस, और फिर हर जगह जाके कहती हैं हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पहना है। तो यार अभी जो है आपकी भाभी कह रही है यार बाहर निकलो, कोई फोटो शोटो लेनी है, हैं तुम कोई फोटो लेनी है तुम्हारे कोई इंस्टाग्राम के लिए। तो यार ये है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, शायद सुनने में तो यही है लाहौर की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके साथ हमारी फोटो लेते हैं, अच्छी थी आज। और नहीं मैं फोटो की हालत में नहीं लग रहा, इस वक्त सोया हुआ लग रहा हूँ। और व्लॉग की हालत में हूँ, व्लॉग में यार देखो व्लॉग के अंदर जब तक मुंह पे लानत ना पड़ी हो तो व्यूज नहीं आते। तो अभी नींद बहुत आ रही है, अभी हम लोग फोटो नहीं लेंगे। देखो व्लॉग नेचुरल होना चाहिए, फोटो नेचुरल नहीं होती। गाड़ी के दरवाजे क्यों खोले? ये तो स्वैग है, ये तुम खड़ी हो वहाँ पे, बल्कि आ जाओ साथ आ जाओ। अच्छा यहाँ पे ठीक है, ये बैकग्राउंड साथ ये भी आ जाएगा, लाइट वहाँ से अच्छी आ रही है। ठीक है अभी अच्छी सी फोटो लेता हूँ। A few moments later, इसका फोटो लेने का कोई मूड नहीं है, अभी हम लोग इसको घर पे छोड़ते हैं, फिर हम लोग खुद अपने घर जाते हैं, फिर सोते हैं यार फाइनली। तो इसको बंद करो, कुछ तंग नहीं आ गई तुम ये देख के लैपटॉप? मुझे पता तुम तंग आई हो। मार देगी मेरी माँ मुझे, जल्दी छोड़ो घर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आधे घंटे में पहुंच रही हूं यार, वो हम पिक्चर लेने लग गए थे। 8 hours later. गाइस अब हो रहे हैं 6:30 PM शाम के, और आपकी भाभी को घर ड्रॉप करके मैं खुद घर आके सो गया है। इधर ही तुम लोग देख सकते हो कंबल शबल तकिया शकिया सब बिखरा हुआ है। तो अभी जो है हम लोग जाके करते हैं इफ्तारी, और उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर शावी जाफरी और मिसेस शावी जाफरी के साथ। तो अभी जो है इफ्तारी होने ही वाली है तकरीबन, अब तो इफ्तारी में 2 मिनट रह गए, जाके पकौड़े वगैरह पकड़ लेते, ज्यादा नहीं खाएंगे, डिनर में मन नहीं गया। तो ऊपर जाके रेडी हो जाते हैं। ओए ऊपर ही पानी फेर दिया पैन। डैडी शेडी हो गए हैं, तुम लोग देख सकते हो थोड़ा खुला ट्राउजर वगैरह ही पहना है, ठीक है दादा, हम लोगों ने तंग तुंग पैंट पोंट नहीं पहनी। निकलते हैं भाई। तो आपकी भाभी को मॉल से पिक करना था, तो यहाँ पे आई हुई अपनी किसी दोस्त के साथ। रूप आ गई सामने आ रहा हूँ एंट्रेंस के सामने, यहाँ पे सब पहचान रहे थे मुझे, सब नहीं मतलब काफी लोग। अच्छा मैं एक शॉप पे गई तो वो कहते कि ओ माय गॉड हम डक्की के बहुत बड़े फैन हैं, आप उनके मंगेते रहे ना। फिर कहते कि आप प्लीज उनको नेक्स्ट टाइम लाइएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक लड़की थी, वो हमारे साथ बैठ के खा रही थी, देख रही थी लेकिन मुझसे बात नहीं कर रही थी। पर जब मैं उठने लगी ना कहती आप रूचे तो ही हैं जी। शुक्र है। बस उसके बाद एक वैसी लड़की गुजरी थी तो वो कहती कि ओ माय गॉड ये डकी डैश की डकी डैश। इसको मैंने मना किया मेरे चैनल का पूरा नाम ही लेना कभी भी जिंदगी में। ठीक है इसकी तो हो गया काम शाम, हो गया शॉपिंग वॉपिंग होगी, अभी हम लोग जा रहे हैं शावी की तरफ। 1 मिनट दूर रह गया। खाना क्या है वैसे? कुछ भी यम्मी सा। तो आज जगह पे पहुंच गए हैं और आई थिंक शावी भी पहुंच गया, उसकी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, तो भाई अंदर चलते हैं। तो खाना वगैरह खाने बैठे हैं, हमारे पास कच्ची मछलियाँ हैं और हमारे पास शावीर भाई भी हैं, कच्ची मछलियाँ और शावीर भाई है। कच्ची मछलियाँ एक ट्राई करो, एक ट्राई करो, है ना? अरूप को एक दफा ट्राई करनी चाहिए, वरना अरूप आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आप क्या मिस आउट कर रहे हैं। एक बाइट बनती है। शुरू में आयशा भी ऐसी थी, आयशा कहती थी कि मैंने नहीं खाना, लेकिन अब आयशा भी कहती है कि एक बाइट मैं खिलाता हूँ तुम्हें। अच्छा मैं ज्यादा बड़ी नहीं दूंगा बाइट, ये छोटी सी है, इसको हल्का सा, इसके अंदर बहुत हल्का सा डिप किया, बहुत छोटी सी बाइट है, बाटन निकालना बस, बाइट इट प्रॉपरली। आपने साशिमी खा लिया जो कि बिल्कुल कच्ची मछली, कच्ची है, ये सीधी मछली से आई है, इसकी सिर्फ उन्होंने धोई है, और बल्कि शायद धोई भी नहीं होनी, धोई भी नहीं है इन्होंने। यार ये देखो ऐसे खाते हैं, ये देखो ये और क्या बात है, ये डकी ने तो थोड़ी सी खाई है ना ये पूरा।
खाना शाना हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं शावी के घर। उसने कहा कि वहाँ पे कुछ जो है ना उसने कोई लेवल का मीठा मंगवाया है। मीठा खाने जा रहे हैं हम। अभी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगा कि वो जो सामने वाली जो गाड़ी है ना, मुझे लगा उसकी गाड़ी है और हम लोग अब गलत गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। तो अभी तुमने मुझे बताया नहीं कि यार हम लोग गलत मोड़ पे आ गए हैं। मैं जो तुम्हें बोली थी तो मुझे कहते थे मुझे पता है एफिशिएंट बन रहे थे तुम। तो अभी मैंने उसे लोकेशन मंगवाई है, ठीक है उसकी तरफ चलते हैं। तुम्हें अच्छा लगा सबसे मिलके? अच्छी दोस्त बन गई आयशा आपकी। तेरा पिज्जा अवार्ड जो है सही सही हालत में है या किस तरह से? यार ये जो है ना हम इसको खाली नीचे से उठा सकते हैं, ऊपर से ये निकल आता है। अच्छा हाँ। तुझे पता है मेरे वाले अवार्ड के अंदर जंग लगा हुआ है, इसका पूरा पॉलिश यहाँ से उतरा हुआ है, ये स्टार अलग हुआ था, ये मैंने लिटरली इस वक्त फोन आउट टेप से जोड़ा हुआ है। पिज्जा ने जो राउंड टू किया ना वो तो बहुत ही उन्होंने राउंड वन अच्छा था, मैं तो नहीं था राउंड टू पे। Nice, yeah, congratulations. Thank you, man. इस अवार्ड की तूने congratulate मुझे कर दिया, thank you so much. लेकिन मेरा 1 million का flag तो play button अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। तीन play button मेरे channel दो हैं, play button 3 है मेरे पास golden. तो यार play button मैं आपको लाके दे दूंगा next time. मैं तो कह रहा था डकी आओ round शाम लगा के आते हैं, but डकी के पास अभी time नहीं है। एक चक्कर गली का लगा सकते हैं? आ जाओ इस पे या उस पे? इस पे चल तू चला। आयशा मुझे हेलमेट तो ला दो। गली का चक्कर लगा रहे उसके लिए भी हेलमेट चाहिए। मुझे लगा पहले स्टार्ट नहीं हुई। I think मेरा मुंह बहुत बड़ा है इसलिए मुझे हेलमेट थोड़ा ना टाइट आ रहा, बाकी बहुत टाइट था। देखिए मैं बताया बहुत आला बहुत आला बहुत आला। ये भी उतनी भागती है या वैसे थोड़ा? यार ये थोड़ी सी हाँ, बहुत ले हाँ नहीं प्लान तो है यार तू ले फिर हम साथ। लेकिन अभी पहले चलानी सीखनी, अभी तो मुझे 70 cc भी चलानी नहीं आती। तो यार हमारा प्लान बन रहा है एक बड़ी मजेदार वीडियो बनाने के लिए जो हम लोग कल फिल्म करेंगे और वो आएगी शबी जाफरी के चैनल पे। फाइनली जो है तुम्हें याद आ जाएगा यूट्यूब चैनल का पासवर्ड? यार मेरा प्ले बटन एक्चुअली तो अब ये डकी मुझे प्ले बटन के साथ साथ मेरा यूट्यूब भी गिफ्ट कह रहा है। तो अभी जो है ये डेकोरेशन है या खाते भी हो? ये एक्चुअली एक बाइट लेके दे यार, अभी तो टेड फुल हुआ है मेरा, शूज सुश खा के। एक सेकंड कल हम लोग का दोबारा शावी भाई का चक्कर लगेगा। अभी हम लोग चलते हैं घर, और बल्कि नहीं पहले इसको मैं ड्रॉप करना है उसके बाद चलते हैं घर। ओके यार टेक केयर, सी यू सून। आए तो यार घर आ गए हैं, ठीक है थोड़ा स्वाय स्वाय लग रहा हूं मैं कुत्ते की तरह। उसका जो है ना हम लोग प्ले बटन जो है ना पहले ही गाड़ी में रख लेते हैं और ना दोबारा भूल जाएंगे हम। तो ये क्या बड़ा है, इसको बाद में आके देखते हैं, पहले इसको तो रख दूं। अब नहीं बोलेंगे। ये क्या पैकेज है भाई, रियल मी की तरफ से रमजान मुबारक। अरे इसको ऊपर जाके खोलते हैं। खोले तो सही। अरे इसमें क्या है, इसके तो कुछ है। आए अच्छा रियल मियाओ। तो यार ये जो है हमें एवाटार मिला है, ठीक है डेकोरेशन भी, इसको खोल लेते हैं बल्कि रख लेते हैं। निकला पैन। अच्छा ये हमारे साथ बैठ के एडिटिंग करेगा आज की वीडियो। ये क्या है भाई, नाउ मोबाइल तो नहीं आएगा? खोले आए और Realme 9 Pro Plus। तो है वक्त आ चुका है Realme 9 Pro Plus की अनबॉक्सिंग का। खोल। अच्छा हमें शुरू में जो है पेपर वर्क वगैरह मिला है, साथ देख लेते हैं मोबाइल वगैरह का डिजाइन। होए शाइन देख रहे हो तुम लोग, वो बहुत ही आला यार। साथ हमारे पास 60 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर, टाइप सी केबल और हो गई जी अनबॉक्सिंग। अच्छा जी 50 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा विद सोनी IMX666 OIS सेंसर, MediaTek Dimensity 925G चिपसेट के साथ, स्टनिंग लाइट शिफ्ट डिजाइन, Realme 9 Pro जो है पैक हुआ है फीचर्स के साथ। इसको तुम लोग प्री ऑर्डर कर सकते हो दराज से या फिर नियरेस्ट मोबाइल शॉप से। सो गो ऑन एंड गेट योर Realme 9 Pro प्लस टू कैप्चर द लाइट। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दो। मेरा जो है काफी हद तक तबीयत डाउन हुई है, मेरा अभी जो है ना गला बड़ा ही कोई कच कच कर रहा है अंदर से, जुकाम भी मुझे हो गया, तुम लोग देख सकते हो मेरी आंखें भी लाल हुई हैं, मुंह फूला हुआ है मेरा। खैर एनीवेज लाइक और सब्सक्राइब कर देना ठीक है, कल देखते हैं क्या प्लान है यार। अब डेली व्लॉगर में बन गया हूं भैंस की, तो मैं रेस्ट ही नहीं कर सकता, एक दिन रेस्ट का चाहिए। तो यार एक दिन सोने दो, चलो खैर कल देखते हैं क्या करना है। अपना ख्याल रखना होगा भाई।
है।